आइए जी, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम पंडित काक्ष मंगलाय धनोहरि सर्व मंगल मांगल्य शिवेश्वरी वार्ते का साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते नारायणी नमस्तुते। ताली बजाकर अभिवादन करेंगे, अच्छा लगेगा क्योंकि हमारे नेपाल और इंडिया की मैत्री हो रही है। जोरदार तालियां इस कार्यक्रम के माध्यम से, जोरदार तालियां। वेलकम सर, आपका बहुत बहुत प्लीज सही कमांडर के ऊपर आइए सर प्लीज। काठमांडू नेपाल के सौजन्य से पटवा एंड सन्स फिल्म प्रोडक्शन सौजन्य से ये कार्यक्रम प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसका नाम है सर आत्मनिर्भर नारी सम्मान। सर प्लीज रहिए, एक बार जोरदार क्योंकि सर को जाना भी है और वो काफी समय से इंतजार भी कर रहे थे, तो मैं कल दो शब्द बोलती थी अपने चाहने वालों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद है, इस कार्यक्रम से हम बहुत प्रसन्न हुआ और ये कतल प्रोग्राम है नेपाल भारत के रिलेशन के लिए एक कथनीय और इससे बढ़ गया है। ऐसे कार्यक्रम बार बार करने के लिए अनुरोध करके सब लोग के धन्यवाद है। जोरदार ताली सरदार जी के लिए, बहुत अच्छा। इसी मौके पर सर दो शब्द आज मैं क्या बनाना चाहूंगा, सम फ्यू वर्ड्स प्लीज अवॉर्ड दिस प्रोग्राम प्लीज। धन्यवाद जी। सम्माननीय प्रमुख अतिथि महंत विद्या योग में सरस्वती महोदया, वो उपस्थित अभी तक नहीं हुआ लेकिन उसके भी हम संबोधन किया। इस कार्यक्रम के आयोजक फिल्म निर्माता निर्देशक श्रीमती सरिता पटवाल जी एवं वरिष्ठ टीवी कलाकार श्री पीसी चौहान जी, सभी मंचासीन मान्यजन, आत्मनिर्भर नारी सम्मान संस्था के संपूर्ण सदस्यगण एवं उपस्थित सभी श्रोतागण, इस भव्य नृत्य एवं संगीतमय कार्यक्रम में मुझे भी उपस्थित होकर कार्यक्रम के सफलता के साक्षी बनने पर गौरव महसूस करता हूं और भविष्य में भी इस प्रकार का कार्यक्रम का आदान प्रदान होने की आशा करता हूं। नेपाल तथा भारत दोनों देश में धार्मिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक समानता देखने का मिलता है। रहन सहन, वेशभूषा, त्यौहार एवं पर्व भी समानता है, अर्थात दोनों देश में भौगोलिक समानता के साथ साथ रोटी बेटी का संबंध भी है और आशा ही नहीं विश्वास भी है कि यही संबंध कालांतर तक रहेगा। अपने वक्तव्य को अधिक लंबा नगरते हुए एक बार पुनः इस कार्यक्रम को आयोजक तथा आत्मीय मित्र श्री धीरेन्द्र खरवाल जी के हार्दिक धन्यवाद करता हूँ और कार्यक्रम की सफलता के लिए हार्दिक शुभकामना देता हूँ। धन्यवाद। जय नेपाल, जय भारत।